ओके लेट्स कंटिन्यू। ब्रेक के पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एसेंशियल्स, ऑब्जेक्टिव्स, स्टेप्स एंड बेसिक एलिमेंट्स। कॉपी में हम लोग एक चार्ट बनाए थे ना इस चैप्टर के स्टार्टिंग में। मैंने बोला था ये चैप्टर बहुत बड़ा है, आपको भटका देगा कि आप क्या पढ़ रहे थे, ठीक है। इसके लिए एक रोड मैप हम बना रहे थे, उस रोड मैप को कंटिन्यू करेंगे आके एक बार। इंटरनल कंट्रोल में खुद से लिखेंगे, लिखिए इंटरनल कंट्रोल में क्या क्या पढ़ा। जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है खुद से लिखने का वो नहीं लिखेंगे, कॉपी को गंदा नहीं करेंगे, बाद में मेरा देख के लिखेंगे। बट मेरे को पता है सबको कॉन्फिडेंस है, सब होशियार बच्चे हैं। ये आपकी गलत फहमी है। डन। एक बार देख लीजिए यही सब था ना। अभी नेक्स्ट होगा नेचर एंड स्कोप, ये भी लिख लीजिए, नेचर एंड स्कोप। मैं जब स्टूडेंट थी ना, मेरे को ये नेचर और स्कोप में बड़ा कंफ्यूजन होता था, और कभी किसी ने बताया भी नहीं कि ये क्या होता है। कभी इतना इतना डेप्थ में नहीं बताते टीचर्स, नेचर एंड स्कोप है, ठीक है, नेचर एंड स्कोप है। कभी उस टाइम इतना जगह भी नहीं अंदर से कि सर्च करें कि नेचर और स्कोप में क्या फर्क होता है। बट सिंस अब आप लोग को पढ़ाना है तो मैं चाहती हूँ मेरी तरह आपको कन्फ्यूजन ना हो कि नेचर और स्कोप क्या होता है। हर जगह ऑडिट में नेचर और स्कोप आ जाता है, नेचर स्कोप आ जाते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस नेचर एंड स्कोप। किसी को पता है, या आप लोग भी मेरी तरह हैं जिनको कंफ्यूजन है, किसी को पता है नेचर और स्कोप में क्या फर्क होता है? बेसिक इंग्लिश ही है वैसे, कोई तोड़ चीज नहीं है। नेचर मीन्स कैरेक्टरिस्टिक और स्कोप मीन्स इंपॉर्टेंस। नेचर आपने सही बोला, स्कोप सही नहीं बोला। स्कोप मतलब कोई और बताएगा? एप्लीकेशन, ठीक है, कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं। और नेचर मतलब होता है कैसा सिस्टम होगा, ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, कैसा को बोलते हैं नेचर, ठीक है। स्कोप मतलब होता है क्या क्या कवर होगा इसके अंदर। जैसे कि इंटरनल कंट्रोल की अगर हम बात करें, इसके स्कोप में क्या सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आएंगे या ऑपरेशनल एस्पेक्ट भी आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट भी आएगा? इंटरनल कंट्रोल्स की अगर बात करें तो इंटरनल कंट्रोल्स का जो दायरा है वो क्या सिर्फ फाइनेंशियल है या और स्प्रेड होता है ऑपरेशंस में भी, और स्प्रेड होता है एडमिनिस्ट्रेटिव में भी? व्हाट इज द स्कोप, कितना दूर फैल रहा है ये, कवरेज क्या है इसका, इसको बोलते हैं स्कोप। डिफरेंस समझ में आया दोनों का? नेचर क्या होता है, नेचर हो गया, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये एक्चुअल में क्या है, और स्कोप मतलब हुआ इसका कवरेज कितना है, कौन कौन सी एरियाज में इनको हम लोग यूज करेंगे, दैट इज स्कोप। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ये वाला पार्ट आपके स्कोप के बाहर है। टीचर्स बोलते हैं ना कि इसमें बहुत सारी एक्सप्लेनेशन इन्वॉल्व है बट आपके स्कोप के बाहर है, मतलब आपके दिमाग के कवरेज के बाहर है, आपके सिलेबस के कवरेज के बाहर है, इसलिए हम नहीं पढ़ा रहे हैं उस बात को, ठीक है, दैट इज स्कोप। डिफरेंस समझ में आया अभी? क्या जो सीए और सीएमए कर रहे हैं उनका फ्यूचर में बहुत ही ब्राइट स्कोप है, तो आप लोग कृपया बहुत अच्छे से पढ़ाई पे फोकस करिए अभी। देखिए नेचर क्या है, रीड करेंगे, ये बहुत इजी टॉपिक है इसलिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन इन्वॉल्व नहीं है। इंटरनल कंट्रोल इज एन एसेंशियल प्री रिक्विजिट
फॉर एफिशियंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट डू यू मीन बाय प्री रिक्विजिट? प्री रिक्विजिट का क्या मतलब हुआ? एसेंशियल, राइट, एसेंशियल या फिर प्राइमरी. किसी भी इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए एक अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना एक प्री रिक्विजिट है. ठीक है. इट इज दस द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजमेंट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन एन एडिक्वेट सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल अप्रोप्रिएट टू द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस. अगर आपका छोटा सा एक पान का दुकान है, ठीक है, समझ लीजिए शौक है, खोल ली एक पान का दुकान, उसमें क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाएंगे? सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, एक सिक्योरिटी गार्ड को बाहर पान के दुकान के बाहर बिठा के रखेंगे, देखो तुम कहीं कोई चुपके से पान चुरा के तो नहीं लेके जा रहे हैं, है ना? ले भी गया तो एक पान से आपका कितना नुकसान होगा. ठीक है, तो यू हैव टू, इट डिपेंड्स ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ योर बिजनेस. SA-265, एक और ऐसे आ गया यहाँ पे देखो, SA-265 ऑन कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट. मतलब जब हम लोग आईसी सिस्टम को इवैल्यूएट कर रहे हैं, आईसी मतलब क्या, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को जब हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, अरे इधर देखो मैं लिखवाऊंगी उसमें बाद में, हड़बड़ी मचा है सबको बस लिखने का. आईसी सिस्टम को जब इवैल्यूएट कर रहे हैं उसमें मिस स्टेटमेंट मिलेगी क्या? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट करते हैं तो मिस स्टेटमेंट मिलती है हमको, जब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इवैल्यूएट करते हैं तो मिस स्टेटमेंट मिलेगी या डेफिशिएंसी मिलेगी? टोन मतलब पोएट्री होती है ना क्लास में, तो आप समझ जाते हो कि पीछे वाला ही होगा, है ना, ये मैम मिस स्टेटमेंट नहीं होगा, डेफिशिएंसी होगा. तो राइट, आईसी सिस्टम को जब इवैल्यूएट करते हैं तो उसमें डेफिशिएंसी मिलती है. अब उस डेफिशिएंसी को क्या छुपा के रखना है, क्या करेंगे, किसको बताएंगे? जिस एम्प्लॉय ने फ्रॉड करा उसको बताएंगे क्या कि देखो तुमने फ्रॉड किया और मैंने पकड़ लिया? किसको बताएंगे? मैनेजमेंट को बताएंगे. मैनेजमेंट के ऊपर कौन? दोज चार्ज विद गवर्नेंस. क्या होता है दोज चार्ज विद गवर्नेंस? बताना ही पड़ेगा. आई विल नॉट प्रोसीड अंटिल यू टेल मी व्हाट इज दोज चार्ज विद गवर्नेंस. Who will take charge of this class? कौन बताएगा, बताइए, एक जन भी बताएगा, I will proceed. Those charged with governance क्या होता है? जोर से, जोर से, बस आपको, आपने इसको उल्टा कर दिया. governance का चार्ज जिसके पास होता है उसको बोलते हैं those charged with governance. Not acceptable. और कोई? किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला? ये बोल रहे हैं जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला, क्या चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी? गवर्न करने का अथॉरिटी, ये सब मैच द फॉलोइंग वाला नहीं खेल रहे हैं. और कोई जल्दी? आई एम आस्किंग व्हाट इज दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस. देख लीजिए क्या हाल है बिना रिवीजन, रिवीजन नहीं करने पे, जबकि एक टेस्ट दे चुके हैं जिसमें ये पढ़ के आए थे फिर भी भूल गए. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, फाइनली आई गॉट समवॉट करेक्ट आंसर, दैट ओवरसीइंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, पीपल हु आर हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन डिसीजन मेकिंग. कंपनी की स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन को जो गाइड करते हैं उनको बोलते हैं Those charged with governance. Management कौन होते हैं? Management वो होते हैं जिनके पास executive responsibility होती है, execute करने का, operations execute करने का जो responsibility होता है वो management के पास होते हैं. Those charged with governance और ऊपर level जो पूरा process को oversee कर रहे हैं. अब भूलोगे क्या कभी? नहीं भूल सकते, हम लोग का भरोसा मत करिए आप. तो ऐसे 265 इसी बात पे है कि आप जब डेफिशिएंसीज फाइंड आउट करते हैं इन द आईसी सिस्टम, यू हैव टू कम्युनिकेट इट टू द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, दोस चार्ज विद गवर्नेंस. इसके बाद जो दिया है, इट इज द डेफिनेशन ऑफ आईसी सिस्टम, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है, ये डेफिनेशन है आईसी सिस्टम का.
कहां पे पढ़ा था ये, कहां पे पढ़ा था हमने? अब मुझे और जोर से बोलना पड़ेगा क्या? बेसिक्स वाली क्लास में हमने पढ़ा था डेफिनेशन क्या होता है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डिजाइंड इंप्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड बाय मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस फॉर इंश्योरिंग द अचीवमेंट ऑफ एंटिटीज ऑब्जेक्टिव्स रिलेटिंग टू सेफ गार्डिंग ऑफ असेट्स, अडेरेंस टू मैनेजमेंट पॉलिसीज, कंप्लायंस विद लॉज रेगुलेशन, अचीविंग इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशन, राइट? ये यहाँ पे लिखा है। अभी बात करते हैं स्कोप की। तो स्कोप में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, नॉट जस्ट लिमिटेड टू द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स बट ऑल्सो एक्सटेंड्स टू द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स। यहाँ पे लिखेंगे साइड में आप, नॉट लिमिटेड टू फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स बट एक्सटेंड टू ऑपरेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फंक्शनल एस्पेक्ट्स। डन। क्या लिखा है देखिए, SA-265 डिफाइन्स अकाउंटिंग सिस्टम एज सीरीज ऑफ टास्क एंड रिकॉर्ड्स ऑफ एन एंटिटी बाई विच ट्रांजेक्शन आर प्रोसेस्ड एज अ मीन्स ऑफ मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ये हो गया अकाउंटिंग सिस्टम। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं इंटरनल कंट्रोल की। इट एक्सटेंड्स बियॉन्ड दोज मैटर्स विच डायरेक्टली रिलेट टू द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। इट ऑल्सो इंक्लूड्स विद इन इट्स एम्बिट द कंट्रोल एनवायरमेंट द कंट्रोल प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू द ऑपरेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स। ऑपरेशनल एस्पेक्ट समझते हैं ना आप लोग? क्या होता है ऑपरेशनल एस्पेक्ट? कंपनी का प्रोडक्शन प्रोसेस, परचेज प्रोसेस, सेल्स प्रोसेस, लॉजिस्टिक्स प्रोसेस, ये सारा हो गया ऑपरेशनल एस्पेक्ट। ठीक है। कंट्रोल रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल एटीट्यूड अवेयरनेस एंड एक्शंस ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट रिगार्डिंग द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ द एंटिटी। यही होता है कंट्रोल एनवायरनमेंट, ओवरऑल एटीट्यूड अवेयरनेस एक्शंस ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट। व्हाट डू दे थिंक ऑफ इंटरनल कंट्रोल? उनको लगता ही नहीं है कि इंटरनल कंट्रोल जैसा यू नो कोई सिस्टम रिक्वायर्ड है। जैसे कि हमारे इंडिया में क्या होता है, इंडिया में सपोज आपको एक टैक्सी लेनी है, कहीं आपको जाना है, आपको टैक्सी लेनी है, हम क्या करेंगे? रोड पे कहीं भी खड़े हो जाएंगे। हम लोग रोड को एकदम अपना समझते हैं। आई लव माई इंडिया। टैक्सी टैक्सी है ना? सिंगापुर में अगर आप जाते हो ना, वहां सिस्टम है एक, टैक्सी को आप कितना भी टैक्सी टैक्सी करो वो खाली चला जाएगा, बट वो नहीं रुकेगा। वो कहाँ रुकेगा? वो अपने टैक्सी स्टैंड पे ही रुकेगा, चाहे वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूरी क्यों ना हो। आपको अगर टैक्सी लेनी है, यू विल हैव टू वॉक डाउन टू द टैक्सी स्टैंड एंड टेक द टैक्सी। और हमारे यहाँ पे अलग ही सिस्टम है। हमारे यहाँ पे ह्यूमन को हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि आपकी सहूलियत के हिसाब से टैक्सी टैक्सी टैक्सी। इनफैक्ट टैक्सी क्या, हम तो यहाँ पे बस को भी, पूरा बस को है ना, हु नोज दिस बेटर देन अस। बस हर 1 सेकेंड में एक एक पैसेंजर को उठाने के लिए, हाँ आइए आप आइए, खाली हावड़ा खाली हावड़ा खाली हावड़ा, जबकि खाली हावड़ा कुछ नहीं होता है ना? समझ रहे हैं आप लोग? जो लोग घर पे क्लास देख रहे हैं, कोलकाता के बाहर के स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं बता दूं, यहाँ हमारा सिस्टम कोलकाता में कुछ ऐसा है कि बसेस में लोग सीट्स पे कम बैठते हैं, खड़े ज्यादा रहते हैं। ठीक है, कभी आइए आप कोलकाता में, एक्सपीरियंस करिए इसको भी, और आएंगे तो मिल के जरूर जाइएगा। ठीक है, तो ये सिस्टम है। तो इंडिया में हम इस चीज को, इतना सिस्टम को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। इमेजिन करिए अगर इंडिया में ऐसा सिस्टम हो गया कि टैक्सी आपको 2 किलोमीटर दूर जाके टैक्सी स्टैंड से ही लेनी पड़ेगी, पूरा बंद जाएंगे ना हम लोग, जो इतनी आदत है 20-22 साल से, 18 साल से, अपनी सहूलियत के हिसाब से जब टैक्सी जहां बुलाओ मिल जाती है वो सब चला जाएगा। तो सिंगापुर में ऐसा सिस्टम है, बाहर की कंट्रीज में ऐसा होता है। ठीक है, सो ये एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करता है, उनकी गवर्नमेंट की एटीट्यूड को, हाउ स्ट्रिक्ट दे आर। ठीक है, प्रोसीजर्स को लेके, सिस्टम्स को लेके।
नाउ द कंट्रोल एनवायरमेंट इन एन एंटरप्राइज डिपेंड्स लार्जली ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स द एंटिटीज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मतलब हायरार्की कैसी है, ठीक है, कितने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको असाइन करनी पड़ रही है. जैसे टॉप लेवल पे एमडी है, उनके नीचे सीईओ है, सीएफओ है, सीओओ है, चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर, ठीक है, उसके नीचे जनरल मैनेजर्स हैं, फिर उनके नीचे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं, हेड्स हैं, फिर उनके नीचे स्टाफ है. ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की कैसी है, ठीक है, उसके हिसाब से तो डिसाइड होगा ना कंट्रोल एनवायरमेंट कहाँ रेस्ट कर रहे हैं. मैनेजमेंट मतलब एमडी के पास कंट्रोल एनवायरमेंट रेस्ट कर रहे हैं, राइट, टोन एट द टॉप. नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कोरिस्पॉन्डिंग गवर्निंग बॉडी एंड इट्स कमिटीज. एग्जाम्पल, हाउ स्ट्रॉन्ग इज द ऑडिट कमिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे कि कंट्रोल एनवायरमेंट किस चीज पे डिपेंड करता है, तो आपके ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की पे डिपेंड करता है. पता चला कि जो एमडी है, ऐसा नहीं होगा, पर जो एमडी है वही डिपार्टमेंट्स के भी डिपार्टमेंट को भी वही हेड कर रहे हैं, उनको ही पता है सब परचेज का क्या हो रहा है, सेल्स का क्या हो रहा है, तो अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की नहीं है ये. उसके बाद नेक्स्ट है आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का फंक्शनिंग कैसा है, या फिर ऑडिट कमिटी कितना स्ट्रांग है, कितना अच्छे से वो सारी चीजों को रिव्यू कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट्स फिलोसॉफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल. इसका क्या मतलब हुआ, मैनेजमेंट्स फिलोसॉफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल, हाउ मच वैल्यू दे आर प्लेसिंग टू वैल्यूज. क्या बोला मैंने, हाउ मच वैल्यू इज द मैनेजमेंट प्लेसिंग ऑन वैल्यूज. समझ में आया क्या मतलब है इसका. अगर टाटा में ऑनेस्टी और ट्रस्ट, मतलब टाटा इज नोन फॉर इट्स अ वेरी ट्रस्टेड ब्रांड. व्हाई, बिकॉज द टॉप लेवल मैनेजमेंट वैल्यूज ट्रस्ट अलॉट. वो कुछ भी करेंगे वो इलीगल मीन्स को नहीं अपनाते हैं, चाहे कंपनी लॉस में ही जाए, चाहे एक डिवीजन लॉस में ही जाए, बट हमें कुछ इलीगल पाथ को नहीं अपनाना है. सो दे आर वैल्यूइंग ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट, दैट इज वाई द ब्रांड इज नोन फॉर ट्रस्ट. समझ में आया मैनेजमेंट का फिलोसॉफी और ऑपरेटिंग स्टाइल कैसा है. नेक्स्ट आ गया आपका मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम इंक्लूडिंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, पर्सनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. ठीक है, आपका कंट्रोल एनवायरनमेंट इन सारी चीजों पे डिपेंड करेगा. क्लियर हुआ. पीछे पेज पलट के देखिए, पूछ रहे हैं मुझसे कंट्रोल एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ मैम. टोन एट द टॉप, टॉप लेवल मैनेजमेंट का एथिकल वैल्यूज कैसा है, उनका बिलीव्स कैसा है, ठीक है, आर दे हैविंग इंटेग्रिटी और नॉट. डन, एक बार रीड कर लीजिए इसको. After reading, go to the last page of your copy and write this SA-265, communicating deficiencies in internal control to those charged with governance and ये जो ऐसे है ना, एक बार सुन लो, ये जो ऐसे है 265, इसमें हम जो डेफिशिएंसीज को कम्युनिकेट करते हैं, सारी डेफिशिएंसीज टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट नहीं की जाती है, सिर्फ जो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी होती है, कुछ ऐसा डेफिशिएंसीज विच मेरिट्स द अटेंशन ऑफ टीसीडब्ल्यूजी. आप जाके ऑडिट कमेटी को, टीसीडब्ल्यूजी को बात बात पर डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं कि देखो सीसीटीवी कैमरा खराब हो गया है. तो भाई खराब हो गया तो ये बात मैनेजमेंट को भी तो बताई जा सकती है. यू हैव टू इवैल्यूएट कितनी सिग्निफिकेंट है डेफिशिएंसी. ओनली द सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज आर कम्युनिकेटेड टू द टीसीडब्ल्यूजी. ठीक है,
ऐसे ही बताया, मुझे लगा क्या पता एमसीक्यू में पूछ लें ऐसा। ठीक है, आपके सिलेबस में स्टैंडर्ड्स पूरे पूरे नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ नेम्स लिखा रही हूँ और कुछ हाईलाइट अगर उसका तो वो बता रही हूँ। डन, नेचर एंड स्कोप समझ में आ गया। नेचर में लिखा है कि साउंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज अ प्री रिक्विजिट फॉर एन एफिशियंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है, होना ही चाहिए एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। और स्कोप में लिखा है कि इट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है, स्टार्ट करें। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? टाइप्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। बहुत इजी है ये, मतलब द इजीएस्ट टॉपिक ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। एक बार समझेंगे, छोटे जब हम लोग थे, ठीक है, प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चे थे, क्यूट क्यूट, तब मम्मी कभी शॉपिंग के लिए गई सपोज, ठीक है। इमेजिन करिए आप लोग, अगर सिबलिंग्स नहीं भी हैं तो आपके दो भाई बहन हैं आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। मम्मी को जाना है शॉपिंग के लिए। अभी मम्मी को क्या डर है कि मैं शॉपिंग के लिए गई, पीछे से आपस में क्या हो जाता है, लड़ाई झगड़ा, है ना। इमेजिन करिए एक बार, ठीक है, ऐसा होता ही है ना कि जब मम्मी बाहर जा रही है, अब उनको डर है, घर में और कोई नहीं है, अज्यूमिंग घर में और कोई नहीं है, सिर्फ मम्मी और उनके दो बच्चे हैं। बच्चे अभी अभी स्कूल से आए हैं, खाना वाना खिला के मम्मी को जाना है शॉपिंग पे। अभी डर है उनको कि लड़ाई झगड़ा कर लिया, आपस में मारपीट कर लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने दो अलग अलग रूम में दोनों बच्चों को बिठा दिया कि तुम इस रूम में बैठ के खेलो, तुम इस रूम में बैठ के अपना होमवर्क करो, खेलो जो करना है करो, ठीक है। दो अलग अलग रूम में मम्मी ने बिठा दिया ताकि लड़ाई ना हो। ये मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने प्रिवेंट किया कि कहीं झगड़ा ना हो जाए दोनों के बीच में, ठीक है। अभी मम्मी 2 घंटा बाद 3 घंटा बाद, मम्मी को तो जब शॉपिंग जाती है तो फिर टाइम का थोड़ा कम पता चल पाता है ना, पता नहीं चलता कितना देर हो गया। तो 3-4 घंटा के बाद जब मम्मी वापस आई तो मम्मी क्या देख रही है, मम्मी सारा रूम में जाके देख रही है सब सामान ठीक ठाक से रखा है या नहीं रखा है, कहीं ये डब्बा उठा के इस पे मारा, ये बॉल उठा के उसको मारा, सब सामान सही जगह पे है या नहीं है, इज एवरीथिंग इन प्लेस और नॉट, ये मम्मी चेक कर रही है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिटेक्टिव। मम्मी डिटेक्ट कर रही है कहीं लड़ाई हुई तो नहीं या नहीं हुई, ठीक है। मम्मी लोग को सब पता रहता है ये सामान कहाँ पे रखा था, कौन सी शेल्फ में रखा था, अगर वो दूसरी शेल्फ में है। बच्चे भी तो स्मार्ट होते हैं ना, हम लोग भी स्मार्ट होते हैं, हम लोग क्या करेंगे, लड़ाई झगड़ा सब कर लिया, मारा पीटी, दे धमा और फिर सब कुछ सही से रख दिया, बट हम लोग को नहीं पता ये वाला डब्बा कौन सी शेल्फ में रखा रहता है, बट मम्मी को सब पता होता है ना। तो मम्मी ने आके सब कुछ चेक किया, सब घर में ठीक ठाक है या नहीं, ये हो गया डिटेक्टिव। मम्मी ने डिटेक्ट किया कहीं झगड़ा हुआ या नहीं हुआ। अभी झगड़ा तो हो गई ना, झगड़ा तो हो गई, मम्मी जैसे ही बाहर गई दोनों भाई एक कमरे में आके, बस तुम आज ऐसे कैसे किया मेरे साथ, तुम स्कूल बस में मेरे फ्रेंड को ऐसे क्यों बोला, है ना, झगड़ा हो गई होगा। तो अब मम्मी को आके झगड़ा रिजॉल्व करना पड़ेगा। मम्मी को पता चल गया ना ये डब्बा इधर था, अभी इधर हो गया है, पक्का कुछ इन लोगों के बीच में गड़बड़ हुआ। फिर मम्मी आई, दोनों से बात की, मम्मी ये पहले मेरे को मारा था, मम्मी हम नहीं मारा, मम्मी पहले इसने मुझे मारा, हम लोग ये स्टार्ट कर देते हैं। तो मम्मी क्या करेगी, फिर क्वारल को रिजॉल्व करेगी। तो यहाँ पे मम्मी करेक्टिव एक्शन ले रही है, समझाएगी कि बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए, है ना, दैट इज अ करेक्टिव एक्शन। तो वैसे ही इंटरनल कंट्रोल्स भी 3 टाइप के हैं। एक है प्रिवेंटिव कंट्रोल, कि एरर होने से पहले हम कुछ कंट्रोल्स लगा दें ताकि एरर ना हो। दूसरा हो गया डिटेक्टिव कंट्रोल, ये चेक करने के लिए कहीं कुछ एरर हुआ या नहीं हुआ, उसके लिए लगाए जाते हैं डिटेक्टिव कंट्रोल्स। और लास्टली होते हैं करेक्टिव कंट्रोल्स। तो यहां पे लिखेंगे आप निमोनिक PDC, प्रिवेंटिव डिटेक्टिव करेक्टिव। सुनने में बहुत अच्छा लगा, एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा लगा, पर इंग्लिश, व्हाट अबाउट इंग्लिश? सो व्हाट आर प्रिवेंटिव कंट्रोल्स? प्रिवेंटिव कंट्रोल्स आर प्रोएक्टिव कंट्रोल्स, मतलब आपको नहीं पता कि एरर होगी नहीं होगी, हो सकता है कि आपके एम्प्लॉयज इतने अच्छे हैं, इतने ऑनेस्ट है कि कभी कोई एरर या फ्रॉड हो ही ना, बट फिर भी आपने कुछ कंट्रोल्स लगा के रखे हैं प्रोएक्टिवली, ठीक है। सो प्रिवेंटिव कंट्रोल्स आर प्रोएक्टिव कंट्रोल्स विच आर डिजाइन टू डिस्करेज एरर्स एंड इररेगुलरिटीज, विच आर डिजाइन टू
डिसकरेज, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, और प्रोएक्टिव कंट्रोल्स इंपॉर्टेंट वर्ड है। एरर्स ना हो उसको डिस्करेज करने के लिए हमने ड्यूटीज को सेग्रीगेट कर रखा है। ये हमने कब किया? एरर आइडेंटिफाई करने के बाद किया या पहले किया? ड्यूटीज सेग्रीगेशन कब करते हैं? पहले से डिवीजन ऑफ वर्क करके रखा है, तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, है ना? सो देयर इज सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज बिफोर एनी फ्रॉड और एरर अकर्स, ठीक है? सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ प्रिवेंटिव कंट्रोल्स। उसके बाद असेट सिक्योर करने के लिए सीसीटीवी कैमरास पहले से लगाए गए हैं, सिक्योरिटी गार्ड को पहले से बिठाया गया है। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ प्रिवेंटिव कंट्रोल्स। समझ में आया? ऑथराइजेशन का एक प्रोसेस पहले से बनाया गया ताकि कहीं कुछ एरर या फ्रॉड ना हो जाए, ठीक है? अनदर एग्जांपल ऑफ प्रिवेंटिव कंट्रोल। डिटेक्टिव का कुछ एग्जांपल बताइए। डिटेक्टिव कंट्रोल मतलब एरर हुआ या नहीं हुआ इसको चेक करने के लिए। एरर हुआ कि नहीं हुआ इसको चेक करेंगे कौन सा कंट्रोल लगा के? रिव्यूज करेंगे हम लोग, रिव्यू करेंगे तभी पता चलेगा ना कहीं कुछ एरर या फ्रॉड हुआ या नहीं हुआ। सो व्हाट आर डिटेक्टिव कंट्रोल्स? डिटेक्टिव कंट्रोल्स आर कंट्रोल्स विच आर डिजाइन टू फाइंड एरर्स। पहला वाला था डिस्करेज कर रहा है, दूसरा वाला क्या है? फाइंड कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है, नाम से ही पता चल रहा है ना। अब डिटेक्टिव कंट्रोल के डेफिनेशन में ये नहीं लिखोगे कि कंट्रोल्स विच आर यूज फॉर डिटेक्टिंग एरर्स एंड फ्रॉड, ठीक है? आपको पता है ना डेफिनेशन में हम कभी भी उस वर्ड को यूज नहीं करते हैं, मतलब एज फार एज पॉसिबल यू शुड नॉट यू नो जस्ट चेंज द प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स। जैसे इन्होंने बोला दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस क्या होते हैं मैम? जो गवर्नेंस का चार्ज जिनके पास होता है, दिस इज नॉट द डेफिनेशन, ऐसा नहीं करना है। विच आर यूज टू फाइंड द एरर्स एंड इरेग्युलरिटीज। एग्जाम्पल्स क्या है? रिव्यूज ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है? फिजिकल इन्वेंट्री वेरिफिकेशन एक एग्जाम्पल होगा। इन्वेंट्रीज चोरी ना हो गई इसके लिए एक प्रिवेंटिव कंट्रोल हमने लगा रखा था जो कि सीसीटीवी कैमरा है, बट फिर भी चोरी हुई या नहीं हुई ये डिटेक्ट करने के लिए, फाइंड करने के लिए हम रिकॉन्सिलिएशन करते हैं, हम फिजिकल इन्वेंट्री वेरिफिकेशन करते हैं। और करेक्टिव एक्शन क्या हो सकते हैं? करेक्टिव कंट्रोल का कोई एग्जाम्पल बताइए। अब गलती हो गई तो उसके बाद ठीक करना है ना, एग्जाम्पल क्या होगा इसका? एग्जाम्पल होगा कि अगर कोई कंट्रोल मिसिंग है, अगर कोई कंट्रोल मिसिंग है, जैसे से फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री आपने फिजिकली वेरीफाई की और पता चला 2 करोड़ की इन्वेंट्री गायब है, फिर देखा कि सीसीटीवी कैमरा ही नहीं है, पता कैसे करें? सिक्योरिटी गार्ड ही नहीं है बाहर में। इफ एनी कंट्रोल इज मिसिंग उस कंट्रोल को इंप्लीमेंट करना, दिस इज द करेक्टिव एक्शन। सो करेक्टिव कंट्रोल्स आर कंट्रोल्स विच टारगेट एट द करेक्शन ऑफ errors and irregularities as soon as they are detected. आप लोग को एक बात बता दूं मैं, ये important chapter है बहुत, ठीक है? बड़ा chapter है, काफी सारी topics हैं, एक ना एक topic पूछेंगे ही पूछेंगे आपको exam में। June 19 में पूछा different types of internal controls, they were very lucky, they got such an easy question. वैसे सारे question easy अपने लिए, है ना? है या नहीं है? अरे जोर से, सब इजी है एकदम, और जितनी बार रिवाइज करेंगे सब कुछ आपको यहाँ याद हो जाएगा, फिर सिर्फ इंग्लिश का ही पंगा रहेगा जो थोड़ा सा घर में करना पड़ेगा। सो व्हाट आर प्रिवेंटिव कंट्रोल्स? कंट्रोल्स विच आर इन प्लेस फॉर डिस्करेजिंग एरर्स एंड फ्रॉड्स इररेगुलरिटीज, दे आर प्रोएक्टिव कंट्रोल्स। एग्जाम्पल्स क्या क्या है इसके? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है, और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, सिक्योरिटी सेफगार्डिंग ऑफ असेट, सीसीटीवी कैमरा जो पहले से लगा के रखा है, और ऑथराइजेशन अप्रूवल रिव्यू, ऑथराइजेशन अप्रूवल का जो प्रोसेस है। डिटेक्टिव कंट्रोल्स आर कंट्रोल्स विच आर यूज टू फाइंड द एरर्स एंड फ्रॉड्स। एग्जाम्पल्स इसके रिव्यू, रिकॉन्सिलिएशन, फिजिकल इन्वेंट्री वेरिफिकेशन, और करेक्टिव कंट्रोल्स आर कंट्रोल्स विच आर used for taking corrective actions for correction of errors and frauds which are detected, ठीक है? तो ये पहला वाला जो है ये proactive है, दूसरे वाले को क्या बोलेंगे? proactive का example क्या होगा? Sorry, example नहीं, opposite क्या हुआ?
रिएक्टिव। आप लोगों का अगर एग्जाम्पल ले तो आप लोग प्रोएक्टिव है या रिएक्टिव है? हाँ, कौन बोला प्रोएक्टिव? प्रोएक्टिव मतलब क्या होता, कि जो टॉपिक आज पढ़ाई जाने वाली है उसको पहले से पढ़ के आना है, इस प्रोएक्टिव। हम लोग प्रोएक्टिव हुआ करते थे एक जमाने में, जब स्कूल में हम लोग थे तो बहुत मजा आता था शो ऑफ करने में, कि देखो मैम मैंने पहले से पढ़ के आया, मैं आंसर कर रहा हूँ, आई एम अ वेरी गुड स्टूडेंट, है ना। दैट टाइम वी वर प्रोएक्टिव, हम लोग उस टाइम पे भी नहीं थे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। और दूसरा होता है रिएक्टिव, जो अभी हम लोग हैं, अभी तो हम लोग रिएक्टिव क्या, उससे भी अगर नीचे कुछ हो तो वो वाले हैं, है ना। मतलब जो नया टॉपिक पढ़ाने वाली है मैम, वो पढ़ के आना इस दूर का बात, जो पुराना पढ़ाया उसको रिवाइज जो पुराना पढ़ाया उसको रिवाइज करना, वो भी नहीं कर पा रहे हम लोग। क्या बताएं, कितना सुनाएंगे मैम आप हम लोग को रिविजन के लिए। रीड करिए क्विकली एक बार, प्रिवेंटिव डिटेक्टिव एंड करेक्टिव कंट्रोल्स। रीड रीड फास्ट, डोंट टर्न द पेजेस, डोंट फ्लिप द पेजेस। यू हैव टू मार्क, अंडरलाइन, हाईलाइट ऑल्सो, वॉट एवर इम्पॉर्टेंट यू फील द वर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट, उसको मार्क करिए। अगर कोई फीलिंग नहीं आ रही है तो उस फीलिंग को लेके आइए, कि कुछ तो कुछ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। If you have not underlined, highlighted anything, follow the screen. समझ में तो आ गया है, आई होप सबको। कुछ कंफ्यूजन है किसी को? मतलब कुछ भी खुद से नहीं करेंगे क्या आप? थोड़ा ऊपर करिए। वाई एम आई टेलिंग यू टू हाईलाइट ऑन योर ओन? क्या आपको पता है? क्या ऐसा है क्या, मुझे मार्क नहीं कराना है इसलिए बोल रही हूँ? आई वॉन्ट यू टू नो हाउ टू स्टडी, नॉट जस्ट टू स्टडी। कैसे पढ़ना चाहिए ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है? हो गया अभी डन? ओके, वील रैप अप फॉर द डे। एक बार क्विकली गो थ्रू करेंगे क्या क्या पढ़ा शुरू से। मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल, दीज आर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डिजाइंड, इंप्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड बाय, कौन मेंटेन करता है इसको? मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस, एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर अचीवमेंट ऑफ एंटिटीज ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू वॉट। ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं? सेफ गार्डिंग ऑफ असेट्स, अडेरेंस टू मैनेजमेंट पॉलिसीज, देन कंप्लायंस विद लॉज रेगुलेशन, एफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशन, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है? ऑब्जेक्टिव मतलब जो डेफिनेशन का पार्ट है। उसके बाद एसेंशियल्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एफिशिएंट कब माना जाएगा? जब इट प्रोवाइड्स फॉर प्रॉपर इंटरनल चेक। डायग्राम याद करिए, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट में दो बातें थी, क्या क्या था?
रिव्यूज एंड ऑथराइजेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बीइंग फॉलोड और नॉट. इंटरनल चेक में दो पार्ट था, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज या फिर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड फंक्शनल डिविजन. ठीक है, डिविजन ऑफ फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसके बाद हमने क्या पढ़ा, नेक्स्ट टॉपिक क्या था, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल. क्या क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव्स, कुछ की पॉइंट्स थे, कंप्लायंस, रिलायंस, सेफ गार्डिंग, सिक्योरिटी, एफिशियंसी, ऑथराइजेशन, रिव्यू. ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक आईसी सिस्टम को लगाने का. ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स हैं. पहला है कंट्रोल एनवायरमेंट. क्या होते हैं कंट्रोल एनवायरमेंट, इट इज टोन एट द टॉप. व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट. ठीक है, उसके बाद क्या था, असेसमेंट ऑफ रिस्क. रिस्क को हम असेस करते हैं, पहले आइडेंटिफाई करते हैं फिर असेस करते हैं क्या इसके लिए कोई कंट्रोल रिक्वायर्ड है या नहीं है. राइट, नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल एक्टिविटीज क्या होते हैं, ये कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होते हैं जो एक्चुअली इन प्लेस आते हैं टू प्रिवेंट फ्रॉड्स एंड एरर्स. ठीक है, कुछ कंट्रोल एक्टिविटीज जैसे कि सीसीटीवी कैमरा एक्चुअल में इंस्टॉल करना, एक्चुअल में सिक्योरिटी गार्ड को ले जाके बिठाना, दैट इज कंट्रोल एक्टिविटी. मतलब नॉट लिटरली ले जाके बिठाना, मतलब समझ रहे ना आप लोग. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन. इसका क्या मतलब हुआ, सारे एम्प्लॉयज को, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज हैं सबको कम्युनिकेट करना. लास्टली मॉनिटरिंग, जितने भी प्रोसेस हैं उसको मॉनिटर करना कंटिन्यूअस. एग्जाम्पल हमने जो स्पीडिंग के लिए कैमराज लगाए गए उनका लिया था. ठीक है, नेक्स्ट इज बेसिक एलिमेंट्स ऑफ आईसी सिस्टम. क्या क्या है, क्या क्या कवर होना ही चाहिए आपके आईसी सिस्टम में. एक तो फाइनेंशियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स. नेक्स्ट कॉम्पिटेंट पर्सनल जो है वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए. उसके बाद डिविजन ऑफ वर्क होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम रिकॉर्ड कीपिंग, सेपरेशन ऑफ कस्टडी ऑफ असेट्स फ्रॉम रिकॉर्ड कीपिंग, देन मैनेजमेंट सुपरविजन एंड रिव्यू एंड ऑथराइजेशन. ये सारी बातें आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में होनी चाहिए. इसको हम लोग कहते हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. नेक्स्ट हमने पढ़ा नेचर एंड स्कोप ऑफ आईसी सिस्टम. तो नेचर में हमने पढ़ा कि इट इज अ प्री रिक्विजिट फॉर एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम, होना ही चाहिए एक अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. और स्कोप में था कि इट नॉट जस्ट कवर्स द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स बट ऑल्सो द ऑपरेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स, फंक्शनल एस्पेक्ट्स को भी कवर करता है एक अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. कंट्रोल एनवायरमेंट किन चीजों पर डिपेंड करता है, एंटिटी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे, और मैनेजमेंट का फिलॉसफी, मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा है, मैनेजमेंट का कंट्रोल प्रोसीजर्स कैसा है. ठीक है, इन सब बातों पे डिपेंड करता है एंटिटी का कंट्रोल एनवायरमेंट. राइट, नेक्स्ट टॉपिक वाज अभी जो हमने पढ़ा लास्ट, टाइप्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल. क्या क्या है, पीडीसी, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव. प्रिवेंटिव क्या होता है, इंग्लिश, नाउ इंग्लिश. ठीक है, समझाने को मैंने सब समझा दिया, अभी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिव क्या होता है, प्रोएक्टिव कंट्रोल्स विच डिस्करेज फ्रॉड्स एंड इररेगुलरिटीज, विच डिस्करेजेस एरर्स, फ्रॉड्स एंड इररेगुलरिटीज. ठीक है, प्रोएक्टिव कंट्रोल्स होते हैं. एग्जांपल्स, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल, और सिक्योरिटी ऑफ असेट्स, एम्प्लॉयज असेट्स अकाउंट्स. ठीक है, नेक्स्ट इज डिटेक्टिव क्या होते हैं, टू फाइंड द एरर्स एंड इररेगुलरिटीज. एग्जाम्पल, रिव्यू सिस्टम. ठीक है, उसके बाद रिकॉन्सिलिएशन करना, फिजिकल इन्वेंट्री वेरिफिकेशन करना, ऑडिट कराना. ठीक है, ये सारे डिटेक्टिव. और करेक्टिव क्या होते हैं, विच आर इन प्लेस फॉर करेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स वंस दे आर डिटेक्टेड. ठीक है गाइज, स्टार्ट स्टडिंग फॉर योर सेकेंड टेस्ट. ठीक है, आप लोग पढ़ना शुरू करिए, दोनों चैप्टर काफी बड़े हैं, काफी इंपॉर्टेंट भी हैं. डेट मैं अनाउंस कर दूंगी वेरी सून, जस्ट स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम नाउ. ठीक है, थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे.